तो बच्चों अब हम करेंगे 20th क्वेश्चन, और 20th क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि रुपीज 10 शेयर्स, रुपीज 100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20, ठीक है। 100 शेयर्स थे और वो डिस्काउंट में बेचे गए, ठीक है, 20% के डिस्काउंट में। इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 15%, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो जो मेरे पे फेस वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 100, ठीक है। और क्या कह रहा है बच्चों, ये डिस्काउंट 20 रुपए के डिस्काउंट में, तो जो मार्केट वैल्यू होगी ना, डिस्काउंट कितने का मिला उसको माइनस, डिस्काउंट में मैंने आपको बताया था माइनस होता है, डिस्काउंट 20 रुपए का है, डायरेक्ट डायरेक्ट 20 रुपए माइनस कर दे तो मार्केट वैल्यू कितने होने वाली बच्चों, 80 रुपीज, ठीक है। ओके जी, अब बच्चों ये क्या कह रहा है, देखो मुझे निकालना कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखो, ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15%, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15% इन्वेस्टमेंट, तो मतलब ये क्या है बच्चों, परसेंटेज रिटर्न है, समझ में आ रहा है आपको, तो ये 15% पहले से ही आपको परसेंटेज रिटर्न गिवन है, बस सिंपल आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेट, और हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है बच्चों, परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला लगाना है हमें, तो परसेंटेज रिटर्न इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इन 200। अब बच्चों इनकम कितनी है, इनकम देखो बच्चों, इनकम होता है एन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू अपॉन, इस रेट का भी 100 आएगा यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इनटू ये वाला 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट, अब ये यहीं पे आने वाला है, पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, तो एन से एन कैंसिल आउट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इस 100 से 100 कैंसिल आउट, और ये जो रिटर्न परसेंटेज रिटर्न थी ये कितना था 15, तो मैं यहाँ पे 15 लिख लेता हूँ, ठीक है जी, तो 15 इक्वल्स टू यहाँ पे आने वाला है रेट, फेस वैल्यू कितनी है बच्चों 100 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों 80, ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से 52 जा 53 जा, इसको मैं इधर फेंकता हूँ तो ये हो जाएगा 24 जा, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4312, तो जो रेट आने वाला है बच्चों वो कितना आने वाला है 12%। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।